हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ मैजिकल मिनरल। अब ये मैजिकल मिनरल क्या है जिससे हम अगर कंज्यूम करें तो बहुत इजीली वेट रिड्यूस करते हैं और बहुत हेल्दी भी रहते हैं। वो मिनरल है जिंक। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को, हमारे स्किन को अच्छा कर देता है, हमारे बाल को अच्छा कर देता है, हमारे बॉडी को हेल्दी कर देता है। जिंक कंज्यूम करने वाले को कॉपर बॉडी, जो भी आप इनटेक करते हैं, जो भी फूड आप खाते हैं, उससे कॉपर अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत इजीली वो कॉपर अब्जॉर्ब कर पाते हैं और आयरन अब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर आपका बॉडी इजीली कॉपर अब्जॉर्ब करता है तो आप समझ लीजिए आपको कभी भी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बॉडी जब तक कॉपर अब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। हीमोग्लोबिन तभी बन सकता है, जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जब बॉडी में एक एम्पल अमाउंट में कॉपर हो। तो जिंक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जिंक आएगा कहाँ से? जिंक आने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट सप्लीमेंट लो जिंक का। जिंक का सप्लीमेंट इजीली मार्केट में मिल जाता है। जिंक की काफ़ी विटामिन की गोली में जिंक होता है, तो आपको देखना होगा 20 mg मिनिमम खाना ही होता है, कंज्यूम करना होता है, तो आप वो सप्लीमेंट ढूंढ सकते हैं। दूसरा और भी तरीका है, आप नकल कीजिए गुजराती फूड में। मोस्टली आपने देखा होगा बेसन का यूज़ होता है, बेसन में बहुत हाई अमाउंट में जिंक होता है। ये भी देखा होगा कि वो बहुत स्लिम होते हैं, क्योंकि जब वो बेसन से बना हुआ कोई भी फूड खाते हैं तो वो जिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जिंक बॉडी में जाती है, उनको एक तो हेल्दी बनाती है, दूसरा वो स्लिम भी हो रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जबकि वो बेसन में काफ़ी फैट्स भी ऐड कर रहे होते हैं। वो फाफड़ा होता है उनका, फिर गठिया होता है, ढोकला होता है, सब में फैट एंड कार्ब्स शुगर ऐड कर रहे होते हैं, फिर भी वो स्लिम होते हैं। और जो बचे हुए स्लिम नहीं होते हैं वो ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है, जिनको बेसन खाना मना होता है, उनका इंटेस्टाइन बेसन नहीं पचा सकता। AB पॉजिटिव हैं और बेसन खाना चाहते हैं तो उसमें कर्ड ऐड कीजिए। दही होना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका इंटेस्टाइन ठंडा रहे और आप बेसन को पचा पाए। दूसरा नकल कीजिए आप कोरियन, वियतनामी, जापानीज, चाइनीज, जो खाते हैं सिसमी सीड तिल। तिल में बहुत हाई अमाउंट में जिंक होता है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जितने भी कोरियन, वियतनामीज, थाईज, चाइनीज, जापानीज होते हैं, उनके हेयर और स्किन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट में जिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं सिसमी सीड के थ्रू। आप देखते होंगे वो सूप खाएं कि नॉन वेज खाएं या वेज खाएं या किसी भी तरह का स्टर फ्राई खाएं, उसमें वो टोस्टेड सिसमी सीड तिल ज़रूर डालते हैं। वो गर्म होता है थोड़ा तिल, तो अगर जिनको नहीं डाइजेस्ट होता है, AB पॉजिटिव को तिल डाइजेस्ट नहीं होता है, हाई जिंक जिसमें भी होगा AB पॉजिटिव उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कर्ड रेगुलर कंज्यूम करें ताकि आपका इंटेस्टाइन कूल रहे और आप जिंक का रियल फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा जिंक होता है पम्पकिन सीड में, चाहे वो स्क्वॉश हो बड़ा वाला जो हेलोवीन में यूज़ होता है, या छोटा पम्पकिन हो, बिहार में कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं उसको, स्क्वॉश बोलते हैं, पम्पकिन बोलते हैं, उसकी जो भी सीड ग्रीन हो कलर की होती है वो आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी जिंक होता है। वाटरमेलन के सीड में जिंक होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में जिंक होता है, तो आप वाटरमेलन का सीड भी ले सकते हैं अगर पम्पकिन सीड आपको नहीं मिलता है। होल व्हीट ग्रेन जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो होल व्हीट होते हैं, उसमें भी जिंक होता है। और आपका ओट में जिंक होता है, आप वो ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में आपका स्पिनच में जिंक होता है। लिग्यूम्स में जाएंगे आप तो रेड बीन, किडनी बीन्स में जिंक होता है। और आपको थोड़ा मेहनत खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हर बॉडी अलग है और हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है और आपका कल्चर अलग है, तो ये बताना कठिन होगा। अगर आप बीफ खाते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट में जिंक होता है। चिकन में जिंक होता है, एग योक में जिंक होता है। तो आप गूगल कीजिए और आप अपने हिसाब से एक पैटर्न बनाइए कि किस में हाई जिंक होता है, और आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, वेगन हैं, उस हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन सा सप्लीमेंट या कौन सा फूड लेंगे जिसमें जिंक हो और आप उसको कंज्यूम कर सकें। क्योंकि जिंक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए। बहुत यंग दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, बहुत ग्लोइंग स्किन होगी, हेयर बहुत अच्छे होंगे, हेयर फॉल तुरंत रुक जाता है जिंक से।
प्लस अगर आपको इंस्टेंट वेट रिड्यूस करना है तो अगर जिंक हाई जिंक फूड ले रहे हैं या जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बहुत इजीली आपको खुद पता नहीं चलेगा और वजन घटता जाएगा और आप हेल्दी ही फील करेंगे, आपको कभी भी वीकनेस नहीं होगा। मैं इसलिए आपको कह रही थी कि आप चाइनीज़ की नकल करें, थाईज़ की नकल करें, कोरियन की नकल करें या जापानीज़ की नकल करें, क्योंकि वो पीनट्स बहुत खाते हैं, कैशू नट्स खाते हैं, वो मशरूम बहुत खाते हैं, वो सेसमी सीड बहुत खाते हैं, और ये सारी चीज़ें जिंक से लैस होती है, फुल ऑफ जिंक होती है। तो ऐसी चीज़ें जो वो कंज्यूम कर रहे होते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत टाइट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हम बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। प्लस उनकी स्किन आपको बहुत फ्लॉलेस दिखेगी, वो हाई जिंक की वजह से स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, कोई स्पॉट्स स्कार्स नहीं होंगे। प्लस हेयर बहुत अच्छे होते हैं, जिंक से हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप वेज भी हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रेगुलर बेसिस पे पीनट्स खाएं, कैशू नट थोड़ा कम खाएं क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत हाई होती है, पर पीनट तो स्लिमिंग के लिए ही खाया जाता है। पीनट अगर रेगुलर खाएंगे तो वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। रोस्टेड होना चाहिए, आप ऑयल में तल के ना खाएं, रोस्टेड पीनट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, या ओवन या माइक्रोवेव या बिना ऑयल के कढ़ाई में भी आप रोस्ट कर सकते हैं, सॉल्ट में रोस्ट कर सकते हैं, बहुत तरीके से। पीनट हमेशा आप अपने वॉलेट में रखिए, हमेशा अपने पास, और जब भी मंचिंग का मन करे तो आप उसको ले सकते हैं। कैशू नट थोड़ा कम लीजिए, मशरूम अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूम आपके लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए। और अगर आप स्लिम होना चाहते हैं तो ये एक मैजिकल मिनरल का काम करता है, इसीलिए हम इसे मैजिक मिनरल कहते हैं, क्योंकि जिंक जितनी हाई अमाउंट में आप कंज्यूम करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट से उतनी ही जल्दी आप स्लिम हो जाएंगे। स्पिनच में है जिंक, मंग बीन मूंग दाल जिसे कहते हैं उसमें जिंक है, इसी वजह से पुराने ज़माने के साधु महात्मा सिर्फ मूंग दाल खाकर सालों जी लेते थे क्योंकि उनको जिंक मिल जाता था। और जिंक बहुत अगर बॉडी में है तो हम काफ़ी चीज़ों से सेटिस्फाई रहते हैं, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए। अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से असर करता है, पर ओवरडोज मत करना। और अगर आप नॉर्मल फूड से जिंक लेना चाहते हैं तो जितना मैंने बताया इन सभी में जिंक होता है, और आप गूगल कीजिए कि हाई जिंक फूड प्रोडक्ट कीवर्ड डाल करके आपको मिल जाएगा, और अपने हिसाब से आप वेज है नॉन वेज है उस हिसाब से आप देख लीजिए और उसको कंज्यूम कीजिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।